राम राम जी, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। मैं जो भी बात बोलूंगा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश में एक नए चर्चा को स्टार्ट करना चाहते हैं। यह वो विषय है जो हम सभी के मन में है लेकिन हम लोग बाहर बोलने से डरते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने बात बताई अगर आप उन बातों से सहमत है तो आप प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें बिना डरे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आज हम सभी को मिलकर साथ में इस पर बात करनी चाहिए। यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फ्रांस, जिसकी पॉपुलेशन हमारे राजस्थान जितनी है 7 करोड़। कुछ दिन पहले फ्रांस के अंदर एक स्कूल टीचर जिनकी एज करीबन 47 इयर्स थी, उनका कुछ शांति दूत ने मिलकर उनका सिर कलम कर दिया, क्योंकि वो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ पोस्ट दिखाते थे, जिन पोस्टों से नाराज होकर कुछ शांति दूतों ने मिलकर उनका सिर कलम कर दिया और इस घटना ने पूरे फ्रांस को हिला डाला, वहां के लोगों से लेकर वहां की गवर्नमेंट तक। कहने को तो फ्रांस बहुत छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन बस 7 करोड़ है हमारे राजस्थान जितनी, पर वहां पे हजारों लाखों लोगों ने घर से बाहर निकल के इसका प्रोटेस्ट किया। एक चीज जो सबसे ज्यादा मीडिया में है कि वहां पे लोगों ने जो हाथ में पोस्टर लिए हैं उस पे लिखा हुआ है कि आप हमें नहीं डरा सकते, हम आपसे नहीं डरते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले बैंगलोर के अंदर भी बिल्कुल सेम दंगे हुए थे। मैं इसे दंगे नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी ने अटैक किया था, इसको अटैक कहना ज्यादा अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले बैंगलोर में अटैक हुआ था एक फेसबुक पोस्ट के रिप्लाई में, जहां पर पहले उन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ गंदी गंदी फोटो शेयर करी। उस पोस्ट के रिप्लाई में किसी ने पोस्ट किया तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे एक मेट्रोपॉलिटन शहर को आग के हवाले कर दिया। हर रोज हमारे धर्म को और हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे इतने बड़े देश में हर रोज पोस्ट करते हैं गलत गलत, जिसमें हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे देश में कभी भी इस चीज पे बात नहीं करते लोग। लेकिन सीखने वाली बात तो ये है कि जो फ्रांस है उधर पे लोगों की यूनिटी है, वहां पे गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, एक साथ मिलकर लोगों ने उस चीज का विरोध किया। सभी देशों के सामने इस्लामिक टेररिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर बहुत सारे देशों ने साथ में मिलकर बहुत हद तक काबू भी पा लिया है। लेकिन अब एक नए तरह का आतंकवाद पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है जिसे हम लोग दंगे और राइट्स कहते हैं। दिल्ली, बैंगलोर, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, फ्रांस में ये देखने को मिला है। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे देशों ने इस्लामिक टेररिज्म को रोकने के लिए नए नए कानून बनाए हैं, सिर्फ हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश है जिन्होंने अभी भी इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया। चलिए मान लेते हैं ये सारे बड़े देश हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास बहुत सारी मिलिट्री है, तो ये लोग कुछ भी कानून बना सकते। लेकिन मैं आपका ध्यान एक छोटे से देश म्यांमार के ऊपर लेके आना चाहता हूं। म्यांमार तो बुद्धिज्म को फॉलो करता है, एक शांति प्रिय देश है। 2013 में वहां पे बौद्ध लड़की के साथ गैंगरेप और उसके मर्डर के बाद वहां पे दंगे फैल गए और इसके बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया और सभी ने साथ में मिलकर इस चीज का विरोध किया और उनके गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया। उसके पास तो यूएसए, रशिया, फ्रांस, इजराइल, चाइना जैसी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है और यहाँ तक कि उनके पास तो पूरी दुनिया में सपोर्ट भी नहीं था। और इसके बाद वहां पे गवर्नमेंट ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर उन्हें बाहर निकाल दिया। और आपने इनका नाम जरूर सुना होगा या फिर वो फेमस टाइम मैगजीन की फ्रंट कवर पेज की ये फोटो देखी होगी। इनका नाम है अश्विन विरटू, ये बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनको म्यांमार में हुए वो इंसिडेंट के पीछे माना जाता है। मेरा प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस फोटो को गौर से देखिए और उनका वो फेमस बयान जो पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज हुआ था। इन्होंने बोला था कि आप कितने बड़े क्यों ना हो, आप पागल कुत्तों के साथ नहीं सो सकते, जिसके बाद पूरे देशों ने मिलकर म्यांमार को किनारे कर दिया था। लेकिन आज करीबन 8-10 साल बाद पूरी दुनिया को उनकी बात समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उन्होंने सही किया या गलत किया, यह उधर के लोग और गवर्नमेंट का फैसला था। हर किसी कंट्री का टैकल करने का अपना अलग अलग स्टैंड होता है। हम सभी को पता है कि चाइना कैसे टैकल कर रहा है, इजराइल कैसे टैकल कर रहा है और अभी कुछ दिन पहले स्वीडन और नॉर्वे में जो दंगे हुए उसके बाद स्वीडन और नॉर्वे कैसे उसे टैकल कर रहे हैं। यूएसए के अंदर जो गवर्नमेंट है बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, रशिया कैसे हैंडल करता है, सभी देशों ने अपना अलग अलग हैंडल करने का तरीका बनाया हुआ है। विडंबना की बात मैं आपको बता दूं कि जो रेफ्यूजीज म्यांमार से गए बांग्लादेश में और बांग्लादेश ने भेज दिए हमारे हिंदुस्तान में। मुझे नहीं पता आपको इस न्यूज की नॉलेज है या नहीं, पिछले कुछ महीने से केरला, नॉर्थ ईस्ट बंगाल बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि केरला की गवर्नमेंट ने 8 लाख बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को वहां पे सेटल किया है, वहां की जो डेमोग्राफी है चेंज करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी केरला में 50% हिंदूज हैं, बाकी 50% में क्रिश्चियन और मुस्लिम है, और ये 8 लाख बांग्लादेशी रेफ्यूजीज आने के बाद किस तरह से वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। सेम बंगाल में है, नॉर्थ ईस्ट, आसाम। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि आप किसी एक के पीछे पूरी कम्युनिटी को खराब नहीं कह सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम किसी एक के पीछे किसी भी पूरी कम्युनिटी को खराब नहीं कह सकते। लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी बड़े देश है उनके सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक अंदाजा लगाया है कि एक कम्युनिटी के 15-20% लोग ही रेडिकलाइज्ड है। मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेडिकलाइज्ड है, और आपको भारत में ऐसे लोग देखने को हर जगह मिल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आप मूवी देखने जाते हैं तो जब राष्ट्रगान होता है तो आपको अपने मूवी थिएटर में 4-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उठते नहीं है। और अगर आप सिक्योरिटी रिपोर्ट की बात करें तो हमारे देश में 500 से ज्यादा ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिन्हें हम मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी जगह है हमारे देश में जहां पे लोग अपने आप को इंडियंस ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हम लोग अरब से आए हुए हैं। और एक चीज पूरी दुनिया को पता है, हमारे गवर्नमेंट को भी पता है और हम सभी लोगों को पता है कि हमारा देश भारत ही एक ऐसी जगह है जिसने हजारों सालों से इस्लामिक टेररिज्म को झेला है, रोज झेल रहा है और आगे भी झेलता रहेगा अगर
पर हम सभी ने अपना एटीट्यूड को चेंज नहीं किया। और प्रेजेंट में जितने भी विकसित देश हैं और जितने भी विकासशील देश हैं, उन्होंने जो इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो नए नए लॉज बनाए हैं, हमारे देश में ऐसा कोई भी लॉज नहीं है जिसकी हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है। फ्रांस और म्यांमार जैसी घटना हमारे देश में रोज होती है। कल ही हैदराबाद के अंदर हिंदू लड़की का गैंगरेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ तक कि इस चीज की चर्चा भी नहीं हुई। हमें जो बचपन से हमारे धर्म और हमारे कल्चर से नफरत करना जो सिखाया गया है, हमारे दिमाग के अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है किताब, मूवीज और सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद जो हमारे पूर्वजों के बारे में गलत गलत बातें बताई गई हैं, जिस तरह हमें हमारे किताबों में सनातनी होने पे शर्म महसूस कराया गया है। भाइयों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम सभी सनातनी है। सनातन का मतलब होता है ना इसकी शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। भाइयों, ये बिल्कुल डरावनी बात है कि हमारी सिविलाइजेशन, अगर हम लोगों ने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, 100 करोड़ हिंदू हैं, पर मैं आपको बता दूं चीजें ऐसे ही खत्म होती हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था तो इस देश से सारे 98% मुस्लिम यहां से चले गए थे, पर 2% रह गए थे जो आज बढ़के 15-20% हो चुके हैं। और हमारे देश के बंटवारे के बाद जो नए देश बने हैं, जिनकी अगर पॉपुलेशन का आकलन किया जाए और हमारे देश में मिला के, तो वो करीबन 50 करोड़ है। सोचने वाली बात है कि जो इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 50% का रेशियो हो चुका है, और ये पिछले कुछ 70 साल में हुआ है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लव जिहाद, कन्वर्जन, हमारे धर्म और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी आज तक हमारे एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आया। मैं तो आप सभी को बता दूं कि हमारे रगों में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका खून दौड़ रहा है। और अगर आप किसी भी विकसित देश, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लॉज बनाए हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो उनके पास ऐसे कोई विजनरी लीडर्स नहीं थे या किंग्स नहीं थे, हमारे पास तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्यों हमारे देश में हर घर से वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे लोग नहीं निकल रहे? निकलना तो दूर, हम लोग इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहते। हम लोग बस अपनी जिंदगी में मस्त हैं और वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना कब होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि हमें ये सारी बातें पहले से ही पता है, हम अकेले क्या कर सकते हैं, ये तो सबको साथ में आके करना पड़ेगा, तो मैं आज आपको बता दूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी को सबसे पहले अभी से अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आपको कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, 24 घंटे में से 1 घंटे हम अपने समाज और हमारे धर्म को देंगे। और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी देश में हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है, हमारे एरिया में हो रहा है, वो सारी बातें हमें अपने माँ बाप, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ करनी है। उनको बताइए कि हमारे देश में अभी कैसे हालात हैं, और जो देश में 500 हॉटस्पॉट बन चुके हैं उधर पे क्या हो रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लव जिहाद, कन्वर्जन हो रहा है। आप बंगाल और केरला में देखें, आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, एटलीस्ट एक कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी यूथ है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई संगठन, राष्ट्रीय संगठन जरूर ज्वाइन करें, चाहे वो RSS हो, VHP हो, बजरंग दल हो, चाहे हमारा संगठन हो, जय श्री राम सेना संगठन, आप कोई ना कोई संगठन जरूर ज्वाइन करें। आज समय आ गया भाइयों, क्योंकि भाइयों ये लास्ट जनरेशन है। अगर हमने अभी इन चीजों को नहीं रोका तो भविष्य बहुत खराब है, और ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये आपकी और मेरी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें इस चीज में शर्म नहीं आनी चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, और जो सच्चाई है हमें उसके साथ ही खड़ा होना है। आज हम सभी यूथ के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, आपको अपनी जॉब, अपना कैरियर, अपनी फैमिली को भी संभालना है, साथ साथ आपको अपने एरिया को भी संभालना है, जिस एरिया में आप रहते हैं। कि हमारे शहर में हमारे धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि कोई भी गोवंश की हत्या नहीं होगी, कोई भी लव जिहाद नहीं होगा, जो रियल हिस्ट्री है वो लोगों को बताई जाए, ना कि आज सोशल नेटवर्क पे, बल्कि ग्राउंड पे भी हमें साथ में मिलकर काम करना है, टू फ्रंट वॉर की तरह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा संगठन जय श्री राम सेना इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, और दुनिया का पहला ग्राउंड सोशल नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है यह दिवाली 2020 पे। यह हमारी तरफ से पूरी दुनिया के जितने भी सनातनी हैं उनके लिए दिवाली गिफ्ट है। 50% काम हमारे प्रोजेक्ट पे हो चुका है। भगवान राम ने अगर चाहा तो दिवाली के बहुत पहले आपके हाथ में यह नेटवर्क आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई बातों से आप थोड़ा सा भी सहमत होते हैं तो आप प्लीज इसे सभी के साथ शेयर करें। आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उन सभी को शेयर करें, और प्लीज हमारे संगठन जय श्री राम सेना में जुड़ें और साथ में मिलकर हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। जय श्री राम भाई।